और चलिए सीधी तस्वीर अब आपको झुंझुनू से दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवाद कर रहे हैं। कैसी हो कौशल्या जी? बहुत बढ़िया जी। जी आपको प्रणाम जी। मैं बीकानेर से कौशल्या सुथार, एकल नारी पेंशन योजना से मेरे को लाभ मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी तक मेरे को 1000 रुपए मिल रहे थे, अब आपने बढ़ा के 1150 कर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो ये हुए हैं पहली किस्त में, अभी तो और बढ़ने वाले हैं, चिंता मत करिए जी। धन्यवाद। ब्यावर ब्यावर। हाँ जी सर जी। पूसा राम जी कैसे हो? राम रतन हूँ सर। अच्छा राम रतन जी, कैसे हो? देतारंग विदाय से ठीक हूँ सर जी। आपके खाते में अभी आ गई पेंशन? अभी तो नहीं आई, आ जाएगी साहब। स्वागत में आपका, घना एसु घना कोर्सु घना मानसु आप रो मारा एवडे रे अध्यक्ष। सौभाग्य है जो आपसे बात करे सर। राम रतन बोल रहा हूँ सर। अरे राम रतन जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ सर, मारा सौभाग्य है जो आपसे बात करे, नहीं तो सर किसी से राम राम करे ना तो भी चल जाने दे रहे, दिव्यांगे 10-20 रुपए मांगेगा। अच्छा। आप हमारा सौभाग्य है सर आपसे बात करना। चलिए बहुत अच्छा। हाँ जी साहब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राम राम साहब। और पालनहार मिल रहे 2 बच्चों के साहब? चलिए 21 जून को भी आए सर 3000 आपके हमारे। और अभी आने वाले समय में साहब ये स्कूटरी का है ना सर, ये 18 से 45 है, उसका 18 से 50 करो तो हमारे भी वंचित नहीं रहे सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। करौली? हाँ करौली, वह बाजू में लक्ष्मण करौली। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं प्रहलाद बेनीवाल करौली से। हाँ प्रहलाद जी। सर सबसे पहले मैं करौली जिले के समस्त विशेष योगदान समुदायों की ओर से आपके चरणों में नमन सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार। आप सभी बैठे हैं, हमारी राजकुमारी जी सभी बैठे हैं, आप सभी को नमस्कार। हमारे दर्शन जी बैठे हैं, हमारे प्रभारी जवाहर सिंह जी बैठे हैं, बहुत अच्छा। आपकी पेंशन पहुंच गई पहला जी? सर हाँ सर, मेरे अकाउंट में भी मैंने ट्रांजैक्शन चेक किया है इसका सर। करौली जिले में ही नहीं सर, पूरे करौली जिले के सभी विशेष योगदान समुदाय की ओर से आपका दिल से आभारी सर। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी को नमस्कार, सभी को, आपको जो पीछे बैठे हैं उन सभी को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं और आपके द्वारा संचालित कई योजना है उनका भी मैं लाभ ले रहा हूँ सर। पालनहार योजना है मेरे दो बच्चे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए तो देवी और सज्जनों, आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद सभी पेंशन धारियों से चुने हुए जिलों के, और ये एक सकारात्मक संदेश समूचे प्रदेश में कि कोई हमारी खैर खबर ले रहा है। और अब सभी हम उत्सुक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, उनसे अनुनय आपकी तालियों के साथ कि आज के इस समारोह में हम सभी को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करें, लक्ष्य की सुस्पष्ट कल्पना के साथ जनता का ये विश्वास सुन में कि कोई हमारा रहनुमा है, हमारी खैर खबर ले रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को हस्तांतरण करने के इस कार्यक्रम में झुंझुनू जिले के सभी यहां बिराजे सभी का मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी,
हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश भड़ाना जी, विधायक श्री विक्रम जाखल जी, विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर जी, जिला प्रमुख श्रीमती हर्षनी कुलहरी जी, भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, पूर्व सांसद नरेंद्र खीचड़ जी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री श्रवण बगड़ी जी, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रीमती संतोष अहलावत जी, पूर्व विधायक श्री सुभाष पूनिया जी, पूर्व विधायक श्री सुभकरण जी, पूर्व विधायक श्री जेपी चंदेलिया जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री बनवारी लाल जी सैनी साहब, हमारे एसीएस सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग श्री कुलदीप राका जी, श्री गणेन्द्र भान चतुर्वेदी जी निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, विधानसभा में हमारे प्रत्याशी रहे भाई निशित कुमार जी, विधानसभा प्रत्याशी भाई राजेश दहिया जी, प्रदेश के विस्तारक प्रभारी श्री राजेश गुर्जर जी, पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री पवन मंडविया जी, विशंबर पूनिया जी, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई दशरथ सिंह जी शेखावत और पूर्व विधायक भाई रूपा राम जी, और मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गो, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मैं विराज ने सम्मानित सभी अतिथिगणों और वरिष्ठजनों को मैं देख रहा हूं, जिस तरह का प्यार और दुलार आप दे रहे हैं, निश्चित रूप से आपने जिस तरह से प्यार और दुलार दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये झुंझुनू जवानों और किसानों की पावन भूमि है। झुंझुनू में आकर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि झुंझुनू से आज हमारे उन सभी बुजुर्गों को, हमारे उन प्रत्यक्त बहनों को, विधवाओं को और पेंशनरजनों को जो यहां से पूरे राजस्थान के 88 लाख लोगों को जो पेंशन गई है इस पावन भूमि से, क्योंकि ये पावन भूमि यह हमारे जवान की और किसान की धरती है। झुंझुनू एक ऐसी धरती है जहां सैनिकों का जिस तरह से पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा सैनिक किसी जिले में है तो वो जिला झुंझुनू जिला है हमारा। यह समय समय पर हमारे यहाँ के जवानों ने भारत माँ की रक्षा के लिए, भारत माँ के रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए यहाँ हमारे जो सैनिक हैं, सबसे ज्यादा शहीद होने वाले भी मातृभूमि को शहीद होने वाले सबसे ज्यादा अगर सैनिक है तो वो झुंझुनू की धरती भी हैं। मैं ऐसी धरती को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और ऐसे उन सभी सैनिकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ और जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित मैं करता हूँ। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे आज गर्व होता है कि हमारे वरिष्ठजन, एकल नारी, विधवाओं, दिव्यांगजनों, जरूरतमंदों को एक कल्याण का काम आपकी झुंझुनू की धरती से हुआ है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का दायरा बढ़ाया है, पेंशन में हमने बढ़ोतरी की थी। चुनाव के समय हमारा संकल्प पत्र जो था, और हमने संकल्प पत्र में वायदा किया था कि हम आपकी पेंशन बढ़ाएंगे, वो वायदा हमने पूरा किया है। 1000 से हमने 1150 रुपए पेंशन देने का काम किया है। आज ये पेंशन राजस्थान के एक एक गांव में, एक एक गरीब के पास आज इस पेंशन का हस्तांतरण हुआ है। मुझे खुशी है कि 88 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक खाते में 1037 करोड़ रुपए से अधिक आज उनके खाते में गए हैं, और वो खाते में झुंझुनू की धरती से गए हैं। और अभी आप देखे होंगे, आपके मोबाइल में आवाज भी आ गई होगी कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी पेंशन आपके खाते में आ गई है। आज के इस कार्यक्रम के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाया गया है। बढ़ी हुई पेंशन राशि से लाभार्थी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे, उन्हें आर्थिक रूप से संबल मिलेगा, वे आत्मनिर्भर बन पाएंगे। कोई समाज कितना विकसित और सभ्य है, इसका पैमाना यह है कि समाज में निर्बल वर्ग को कितनी अहमियत देते हैं।
उनकी हिफाजत किस प्रकार से की जाती है, जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसकी चिंता आवश्यक है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अगर समाज में बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, निराश्रितों को, महिलाओं का जीवन अच्छा अगर होगा तो हमारे समाज का जीवन अच्छा होगा, हमारे देश का जीवन अच्छा होगा। यह सम्मान पूर्वक जीवन जीते हैं जो समाज के विकसित और सभ्य कहलाने के हकदार होते हैं। हमारा फर्ज है कि हम हमारे वृद्धजनों को, एकल नारियों को, विशेष योग्यजन प्रति ज्यादा संवेदनशील बने। हमें इसके लिए यथासंभव प्रयास करने चाहिए कि वे अपना जीवन निरोगी रहकर सम्मानजनक तथा सार्थक ढंग से जिए। और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे 70 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख तक का इलाज फ्री कराने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आधुनिक भारत में संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय वाले समाज की नींव रखी है। हम समतामूलक समाज की स्थापना के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं और जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ देने की बात हम कहते हैं। हमारा ये मानना है कि यह संवेदनशील समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब समाज में ममता हो। हमारी सरकार इस ममता के भाव से साथ गरीब को गणेश मान करके हम जनता के बीच में खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार लाइफ साइकिल अप्रोच के साथ सेवा करने का काम भी कर रही है। हम नागरिकों का जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक ख्याल रख रहे हैं। हमारी सरकार हर समय जरूरतमंदों के साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार अनाथ भाषाएं, बच्चों के लालन पालन से लेकर बुजुर्गों के आर्थिक संरक्षण तक तथा बच्चों की पढ़ाई से लेकर के युवाओं की नौकरी तक उन्हें संबल प्रदान करने के लिए सशक्त बना रही है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के जरिए बुजुर्गों को, एकल नारी विशेष योग्यजन किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने का काम कर रही है। हमारे पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकांत मानववाद अंत्योदय के दर्शन को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा, महिला के लिए हमारी सरकार समर्पित सरकार है। हमारे सरकार वृद्धजनों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार का मानना है कि वृद्धजन राष्ट्र के अनमोल रत्न हैं, उनके अनुभव और ज्ञान समाज के लिए अमूल्य हैं। हमारी सरकार बुजुर्गों को पेंशन देकर उन्हें आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प भी हमने लिया है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जो पेंशन दी गई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में हम चरणबद्ध तरीके से हर बार हम पेंशन बढ़ाने का काम करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 15 दिसंबर 2023 के बाद 2,41,000 से अधिक नए लाभार्थियों को भी हमने पेंशन देने का काम किया है। हमारी सरकार ने उनको जो पेंशन जिनको नहीं मिल रही थी उनको भी जोड़ करके 2,41,000 लोगों को हमने उनको नए जोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है आज झुंझुनू जिले में 2,74,000 से अधिक लोगों के पेंशन का लाभ मिल रहा है। उन्हें पेंशन के रूप में हर महीने 32,27,00,000 रुपए झुंझुनू जिले में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साधारण सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन स्वीकृति प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है ताकि बुजुर्गों को आसानी से पेंशन मिल सके। डिजिटल के माध्यम से पेंशन योजना स्वतः ही स्वीकृत और वार्षिक सत्यापन पेंशन धारकों के लिए वरदान साबित हो रहा है और आज पेंशनर को बिना किसी अड़चन के पेंशन मिल रही है। आपने देखा होगा पहले पेंशन मिलती थी उसमें कट मनी लगता था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट आपके खाते में पेंशन जाती है, कोई भी भ्रष्टाचार की स्थिति नहीं बनती है। आप जब चाहें निकाल सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। पालनहार योजना के तहत 6 साल के बच्चे को 1,1500 रुपए तक प्रतिमाह एवं 6 से 18
वर्ष तक के बच्चे को 2500 रुपए तक की प्रतिमा आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस वित्त वर्ष में 234 करोड़ रुपए देकर 5,82,000 बच्चों को योजना का लाभ हमने दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुख्यमंत्री अनुप्रित कोचिंग योजना के जरिए अपना भविष्य संवारने के लिए प्रदेश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में निःशुल्क कोचिंग करवाने की व्यवस्था भी हमने की है। यही नहीं, वर्तमान में 20,353 विद्यार्थियों को लाभ मिल चुका है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति कर शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने का काम किया है। चालू वित्त वर्ष में मई तक 17,60,00,000 रुपए देकर 16,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य डॉक्टर सविता बहन अम्बेडकर अंतर्राज्य विवाह प्रोत्साहन की राशि भी देने का काम किया है। मौजूदा वित्त वर्ष में मैं जोर देकर कहना, हमारी सरकार बुजुर्ग, असहाय, गरीब और वंचित लोगों को सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को कमजोर नहीं होने देगी और इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करेगी। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने आपसे कई वायदे किए थे, उन वायदों को भी हमने पूरा किया है। हमारी सरकार ने कहा था कि आने वाले समय में हम सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी पीएम किसान सम्मान निधि भी हमने बढ़ाई है और अभी आने वाले दिनों में आपके खाते में पीएम सम्मान निधि भी आपके खाते में आने वाली है, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपसे जो हमने वायदा किया था किसानों के लिए, हमने 125 रुपए गेहूं में बोनस बढ़ाने का, एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। जब 2275 का था, हमने 2400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो आपको पूरी जानकारी है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर जरूरतमंद के लिए आगे आ रही है। यही नहीं, हमने आपसे वायदा किया था, ये झुंझुनू के हमारे शेखावाटी के जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हमने आपसे कहा था कि इतने दिनों से जो आपको 50 साल से लोग भरोसे में रख रहे थे, यमुना समझौते के पानी के झूठे वायदे कर रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमने वायदा हमारी सरकार ने किया है कि चूरू, झुंझुनू और सीकर को यमुना का पानी मिलेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आने वाले समय में हम यमुना का पानी यहाँ लेकर के आएंगे और हमने जो समझौता किया है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, कि जिस आधार विश्वास के साथ राजस्थान के अंदर आपने सरकार बनाई थी, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो चुनाव आते हैं झूठे वायदे करते हैं, झूठे अफवाह उड़ाते हैं। ये 70 साल से करते आ रहे हैं, 70 साल में इन्होंने सिवाय झूठे वायदे के कुछ नहीं किया है। इस देश को तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया है। हमें ऐसे लोगों से सचेत रहना होगा और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमारे विकास की योजनाएं हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, या हमारा आतंकवाद नक्सलवाद की समाप्ति हो, दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ गौरव हो और हमारे किसान, हमारे बुजुर्ग, हमारे उन भाइयों को पेंशन देने का भी काम हो। हमारी सरकार कृत संकल्प है, जो वायदे हमने आपसे किए हैं, हम एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। आने वाले समय में कई और आपको काम ऐसे मिलेंगे जिन कामों के लिए हमारी सरकार ने जो वायदा किया है, आप उनको पूरी होते हुए देखेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में झुंझुनू के लोग आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। एक झुंझुनू जिले से एक अच्छी शुरुआत, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रारंभ किया था और आज हमने बुजुर्गों को पेंशन योजना का ये काम
प्रारंभ आज हमने बढ़ाते हुए किया है। निश्चित रूप से ये पवित्र धरती है, एक अच्छी धरती है, ये काम हमने किया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार मान्यवर, एक सकारात्मक संदेश पूरे प्रदेश में देने के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन भी आपने सुना, इससे पहले उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया था और एक अलग मुस्कान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चेहरे पर नजर आई। और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अभी तो इसे और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा, ये तो एक तरह से शुरुआत है। और जिसके बाद जो लाभार्थी वहां पर मौजूद थे उनके चेहरे एक बार फिर से खिल उठे। ये सीधी तस्वीरें झुंझुनू से, जहां पर सभी को पेंशन ट्रांसफर की गई, सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा, उसके बाद एक एक करके लाभार्थियों से संवाद किया और उसके बाद में संबोधन भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सुनने को मिला। यानी कि जो जो वादा किया गया उन वादों पर काम किया जा रहा है, उन वादों को पूरा किया जा रहा है। पेंशन लाभार्थी जो कार्यक्रम था उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पहुंचे, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि कब वो वादा पूरा होगा। सभी के आंखों के अंदर एक उम्मीद थी और उसी उम्मीद को आज पूरा किया है राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा ने। इससे पहले अविनाश गहलोत का संबोधन भी आपने सुना कि किस तरह से तमाम वादों का जिक्र करते अविनाश गहलोत भी नजर आया। और अब इन सीधी तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में उपस्थित रहे और अब वहां से निकलते हुए उनकी ये तस्वीर, क्योंकि एक बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा तमाम राजस्थानियों को दी गई है, तमाम प्रदेशवासियों को दी गई है। बड़ी संख्या के अंदर लोगों की मौजूदगी थी, वेलकम किया गया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। और अब क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही इंतजार था कि कब प्रदेश के मुखिया उनके बीच आएंगे और कब उनको बड़ी सौगात दी जाएगी। और ऐसे में मुखिया समय पर पहुंचे और मुखिया ने सभी को वादा पूरा करते हुए ये सौगात दी थी। और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झुंझुनू से निकल रहे हैं।